हाँ तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस न्यू फ्रेशर कमाल की वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं किंग ऑप्टिकल और मैं हूँ यश राठौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो ये है कि अगर आप लोग ऑनलाइन चश्मा खरीदने का सोच रहे हैं या अगर आप लोग ऑनलाइन चश्मा खरीदते हैं, तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भैया हम लोग ऑनलाइन चश्मा तो खरीद लें पर हमें क्या पता कैसी क्या साइज आ जाए, उसमें हम इसमें जो इंटरफेस है मतलब कि जो ऐप है इसमें चश्मा कैसा दिखा रहा है, वो कैसा हमारे फेस पे लगेगा, ये लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब कि ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग अगर ऑनलाइन चश्मा ऑर्डर कर भी दें तो क्या पता बड़ा आ जाएगा या छोटा आ जाएगा या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो कैसे जाने अपने चेहरों के हिसाब से सही तरह के चश्मे। हाँ फ्रेंड्स, हाँ आज की इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट इसी के बारे में बात करेंगे, हाउ टू नो योर फेस साइज़, मतलब कि अपने चेहरे की साइज़ के हिसाब से चश्मे किस तरीके से ऑर्डर किए जाते हैं। ये आपको इस कंप्लीट वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें कि मैं बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बहुत सी तीन टिप्स होती है जिससे कि आप लोग अपने चेहरे का साइज़ पता कर सकते हैं कि आपका साइज़ चेहरे का साइज़ स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। हाँ फ्रेंड्स, क्या आपका चेहरा जो है वो स्मॉल साइज़ में आता है, मीडियम साइज़ में आता है या लार्ज साइज़ में आता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक समझ में आ पाए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की चश्मों से संबंधित रेगुलर बेसिस पर वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर 100+ वीडियोस हो चुके हैं। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में ये जानने को तो मिलेगा ही मिलेगा कि आपका चेहरे का साइज़ लार्ज है, स्मॉल है या मीडियम है, बस साथ ही साथ आपको मैं अप्रोक्स बताऊंगा कि आपको कितने मिलीमीटर का चश्मा आपके फेस के अकॉर्डिंग सही रहेगा, अगर आपका साइज़ लार्ज है, स्मॉल है या मीडियम है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस तरीके से अगर आपके घर में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड हो तो आपको सिंपल से ले लेना है। तो जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे एक क्रिस्टल का कार्ड वगैरह जो आता है चश्मों के साथ उसे ले लिया है। तो आपको भी ऐसे किस तरह के चश्मे का कुछ कार्ड या फिर ATM कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ ले लेना है। तो सबसे पहले ट्रिक हो गई टू टेक एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, मतलब कि आपको कुछ भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ले लेना है। अब चलते हैं सेकंड टिप की। अब सेकंड पॉइंट जो है वो है स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब कि आपको इस तरीके के कार्ड को लेकर आईने के सामने खड़े होना है। और अब थर्ड स्टेप जो है वो है चेक द पोजीशन ऑफ योर कार्ड, मतलब कि आपको अपने कार्ड की जो पोजीशन है उसे चेक करना है। मतलब कि सब शान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ नहीं, आपको एक कार्ड लेना है वो इसे अपनी हाफ फेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना है और ये जो आपकी आईब्रोज है इसे ध्यान से देखना है। अब जैसे ही मैंने अपने कार्ड रखा, मतलब आधे फेस पर रखना है, मैंने जैसे अपने यहाँ पे एक कार्ड रखा तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरी कार्ड है और ये जो मेरी आईब्रो है दोनों एकदम मैच हो रही है। तो इसका मतलब कि जो मेरे फेस का जो साइज़ है वो है मीडियम साइज़। हाँ फ्रेंड्स, क्या अगर आपकी आईब्रो और आपका कार्ड एकदम अप्रोक्स पूरा मैच हो, आप देख सकते हैं पूरी मैच हो रही है, तो मतलब कि जो मेरा फेस है उसका जो फेस साइज़ है वो है मीडियम। अब चलते हैं कि स्मॉल और लार्ज के ऊपर। तो स्मॉल में कुछ नहीं होता है, स्मॉल में अगर आप लोग ये कार्ड रखते हैं तो जो कार्ड है वो आपके आईब्रो से बाहर जा रहा होता है, मतलब कि जैसे कि मैंने लगा रखा और मेरी आईब्रो थोड़ी सी अंदर है और ये जो कार्ड है थोड़ा सा और बड़ा होता है, मतलब बड़ा हो जाएगा अगर आपका फेस थोड़ा सा छोटा है। तो आप लोग समझ जाइएगा मतलब कि हमारा जो फेस है उसका जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है। अब चलते हैं लार्ज साइज़ के ऊपर, लार्ज साइज़ कैसे पहचाने। तो लार्ज साइज़ में कुछ नहीं होता है, आप जैसे ये रखते हैं तो ये जो कार्ड है ये और छोटा होता है और आपके आईब्रो एकदम बाहर चली जाती है। तो इससे आप समझ जाइए कि जो हमारे फेस का जो साइज़ है वो लार्ज साइज़ है। तो एक बार मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूँगा, स्मॉल साइज़ के लिए आपको लगाना है अगर आपका कार्ड बड़ा है और आईब्रो छोटी है तो आपकी स्मॉल साइज़ फेस है। अगर आपका कार्ड और आईब्रो दोनों बराबर मैच हो रहे हैं जैसे मेरी हो रही है तो मतलब कि मेरा जो फेस का साइज़ है वो है मीडियम साइज़। अगर आपका कार्ड थोड़ा सा आउट जा रहा है, आपकी आईब्रो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, आपका कार्ड थोड़ा सा यहाँ तक आ रहा है, तो आप समझ जाइए आपका फेस का जो साइज़ है वो है लार्ज साइज़। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि कैसे अपने फेस का साइज़ आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे केवल एक कार्ड की मदद से। हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अप्रॉक्स की कितने मिलीमीटर से कितने मिलीमीटर तक साइज़ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्मॉल के ऊपर। तो स्मॉल में हम दो कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे, मतलब कि एक आई ग्लासेस की और एक सन ग्लासेस की। मतलब कि एक नंबर के चश्मे ऑर्डर करते हैं चश्मा, तो उस पर जो मिलीमीटर में कुछ साइजेस लिखी होती है तो वो आपको कितनी बार समझ में नहीं आती है, पर आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरिटी से समझाऊंगा, बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा कि किस तरीके से समझ सकते हैं। तो
जो सनग्लासेस रहते हैं उसकी थोड़ी सी साइजेस अलग आती है, और जो आई ग्लासेस मतलब नंबर के चश्मे रहते हैं उनकी साइजेस थोड़ी सी अलग आती है। तो हम लोग दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्मॉल फेस साइज के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्मॉल फेस साइज में अगर आप लोग आई ग्लासेस परचेस करने जा रहे हैं तो बिलो 45 मिलीमीटर लेना है, मतलब कि 45 mm से कम लेना है आपको। आप 42, 43, 44 तक ले सकते हैं, पर 45 से आपको कम लेना है आई ग्लासेस की साइज़। तो ये हो गया स्मॉल फेस के अकॉर्डिंग। और इसी में अगर सन ग्लासेस की बात करें तो आपको 55 mm से कम लेना है। आप 50 ले सकते हैं, 52, 53 तक ले सकते हैं। ये आपकी फेस के स्मॉल साइज़ के अकॉर्डिंग सही रहेगा। अब चलते हैं हम लोग मीडियम साइज़ के ऊपर। तो मीडियम साइज़ में अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग आई ग्लासेस के अंदर बात कर रहे हैं अभी, तो 48 mm से 55 mm तक आपके फेस के अकॉर्डिंग मीडियम साइज़ है, तो आपके फेस के अकॉर्डिंग आई ग्लासेस सही रहेगा। वहीं पर सन ग्लासेस की हम लोग बात करें तो सन ग्लासेस में 46 mm से 64 mm तक सही रहेगा। तो ये तो हमने कर ली मीडियम साइज़ की आई ग्लासेस और सन ग्लासेस की बात। अब हम लोग चलते हैं लार्ज चेहरों के ऊपर, जिसका चेहरा एकदम सा बड़ा होता है। तो उसके लिए आई ग्लासेस का जो साइज़ है वो अबव 55 mm है, मतलब कि जो उसका पावर का चश्मा है, अगर वो ऑनलाइन बाय कर रहा है तो वहाँ पे उसे साइज़ देखना है। अगर नंबर का चश्मा बाय कर रहा है तो उसे देखना है कि जो उसके जो चश्मे का जो साइज़ है वो 55 mm से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और वहीं पे अगर हम लोग सन ग्लासेस की बात करें लार्ज फेस के लिए, तो 64 mm से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका स्मॉल फेस है, मीडियम फेस है या लार्ज फेस है, तो इसके लिए आई ग्लासेस या सन ग्लासेस की क्या क्या साइज़ होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। और अगर आप लोग डायरेक्टली हमसे भी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप एक बार जाके हमारे किंग ऑप्टिकल साइट को भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी एकदम एफोर्डेबल प्राइस में हाई क्वालिटी स्पेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे द्वारा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।